नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। केदारनाथ में उपचुनाव होना है, उपचुनाव की घोषणा होते की तैयारियां भी अब तेज हो चुकी है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ में उपचुनाव का ऐलान जब हुआ, तारीखों का जब ऐलान हुआ, तो उसके बाद तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। उपचुनाव की घोषणा होते ही तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। पक्ष विपक्ष के नेता जीत के तमाम दावे भी कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर जब तारीखों का ऐलान हुआ, तो उसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केदारनाथ में दरअसल उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर हैं। इधर राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। पक्ष या विपक्ष दोनों ही अपनी जीत का दावा फरते नजर आ रहे हैं। हालांकि समय बताएगा, इंतजार करना होगा कि केदारनाथ उपचुनाव में किसे जीत मिलती है, किसकी हार होती है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां, पक्ष और विपक्ष, लगातार अपनी जीत के दावे कर रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव उपचुनाव को लेकर अब कहा जा रहा है कि तैयारियां तेज है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी जीत के दावे भर रहे हैं। अब चूंकि निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है और जब उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, तो अब तैयारियां और तेज होने लगी हैं, क्योंकि जो जनपद रुद्रप्रयाग है, उसमें केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। और इससे पहले भी राजनीतिक दलों के स्तर से तमाम प्रयास किए जा रहे थे। और ये जुलाई माह में 9 जुलाई को जो तत्कालीन विधायक रही शैला रानी रावत, उनके निधन के कारण इस विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि अब आयोग ने तिथि घोषित कर दी है और ऐसे में अब पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही दलों के नेता वो अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और किसी भी पार्टी ने अभी भी अपने प्रत्याशी का चयन नहीं किया है और इसकी रणनीति जरूर बनाई जा रही, तो ये देखना होगा कि प्रत्याशी के चयन में कितनी सावधानी पार्टी के रणनीतिकार बरतेंगे। क्योंकि आपको मालूम ही है नैन्सी, लोकसभा चुनाव के बाद जब उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर, एक तो हरिद्वार जनपद की मंगलौर और दूसरा चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए थे, तो ऐसा पहली बार हुआ था उत्तराखंड के इतिहास में राज्य गठन से लेकर अब तक, जब कोई विपक्षी पार्टी 2 उपचुनाव सीटों पर चुनाव जीती हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इससे सबक मिला है और कांग्रेस भी उत्साहित नजर आ रही है और दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो प्रत्याशियों का चयन है वो आखिर कैसे किया जाएगा। दूसरा पहलू उसका ये भी है कि अगर हम कांग्रेस के रणनीति पर गौर करें नैन्सी, तो जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव भी लड़े थे, गणेश गोदियाल और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, गणेश गोदियाल ने को अब एक ऑब्जर्वर कमेटी बनाई गई है, उसका हेड बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एंट्री हो गई है इस उपचुनाव में। तो जिस तरह से विपक्षी पार्टी उत्साहित है और अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए रणनीति तैयार कर रही है, अब देखना होगा कि जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो आखिर किस फॉर्मूले को अख्तियार करते हुए अपने प्रत्याशी का चयन करेगी ताकि जीत बीजेपी की हो सके। दोनों ही पार्टी दम भर रहे हैं, अब देखना होगा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है और कांग्रेस भी खासी उत्साहित है, तो क्या सत्ता पक्ष के पक्ष में ये सीट जाएगी या फिर विपक्ष इस पर बाजी मारेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।